सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि 2015 में म्यांमार की सीमा पर चलाए गए उग्रवाद विरोधी अभियान के बाद एक टीवी इंक के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से एक अपमानजनक सवाल पूछे जाने के कारण वे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में पिछले साल किए गए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाने को प्रेरित हुए। गोवा के मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीओके में आतंकवादियों पर किए गए लक्षित हमलों की योजना 15 महीने पहले बनी थी। 4 जून 2015 को पूर्वोत्तर के आतंकी समूह ने मणिपुर के चंदेल जिले में भारतीय सेना के एक काफिले पर हमला कर 18 जवानों की जान ले ली थी। इसके बाद 8 जून को भारत ने भारत म्यांमार की सीमा पर लक्षित हमले कर करीब 70-80 उग्रवादियों को मार गिराया। पर्रिकर ने कहा कि उन्हें मीडिया के एक सवाल का बहुत बुरा लगा था जब केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सैन्य कर्मी राज्यवर्धन सिंह राठौर से एक टीवी एंकर ने पूछा था कि क्या आप में देश के पश्चिमी मोर्चे पर भी ऐसा करने का साहस एवं क्षमता है। पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने तब ध्यान से सवाल सुना लेकिन इसका जवाब सही समय पर देने का फैसला किया। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।